यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से खेलने वाले अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को ज़ॉम्बी बना देने वाला गेम जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। उसके पांचवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर इन केस आपने इसके पहले के चार एपिसोड मिस कर दी तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहां जाके फटाफट से चेकआउट करके देख सकते हो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा खासा इंसान ज़ॉम्बी कैसे बन गया। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम फटाफट से इन शॉर्ट रिकैप करके देखते कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो इसके लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे उस रिसर्च फैसिलिटी में जहाँ पे क्रेडल बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया था और वहाँ पे केस ट्रॉय मास्टर से अलग होता है, उसका गैस मास्क टूट जाता है और ये जो फैंटियम ग्रुप का सीक्रेट हथियार है जिसका नाम है क्रेडल, ये पहले भी इस्तेमाल हुआ है केस के ऊपर और इसीलिए केस के अंदर अब सुपर सोल्जर की शक्तियां आ चुकी है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से केस का दिमाग भी खराब हो गया, यानी कि गुस्से और डर में आके केस के सामने जो भी चीजें आती है केस उसको ज़ॉम्बी समझ के मार देता है। और एक टेडल बायोलॉजिकल वेपन की असली शुरुआत हुई थी CIA से ताकि वह अपने लोगों को सुपर सोल्जर में कन्वर्ट कर सके और सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था मेरे कैरेक्टर केस के ऊपर। लेकिन जब उन्हें यह मालूम पड़ता है कि टेडल के साइड इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक हानिकारक जानलेवा है तो उन्होंने इस प्रोग्राम को रातों रात बंद करवा दिया। लेकिन फैंटियम ग्रुप ने बहुत ही चालाकी से इस प्रोग्राम को फिर से शुरू कर लिया और टेडल को चोरी कर लिया। और शुरुआत से मार्शल की टीम को ऐसा लग रहा था कि लिविंगस्टोन जो कि CIA का हेड है वही फैंटियम ग्रुप का मेंबर है, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत साबित होती हुई क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमें ये मालूम पड़ता है कि जेन हेरो जिसे मार्शल ने आंख बंद करके भरोसा किया वही फैंटियम ग्रुप की असली मेन लीडर दिखाई है। तो ये जेन हेरो कहां पे छुप के बैठी है ये तो पता नहीं, लेकिन मार्शल की टीम उस साइंटिस्ट को ढूंढने में लगी हुई है जिसने केडल को बनवाया था और उसका नाम है मैटली गुसेव। और फैंटियम ग्रुप को जो पैसे मिलते रिसर्च के लिए वो एक दूसरी गैंग दे रही जिसका नाम है लुटाजी और इसी गैंग का अपना खुद का कैसिनो चलता है और उसी कैसिनो के वॉल्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि साइंटिस्ट मैटली गुसेव अभी कहां पे छुप के बैठा हुआ है। तो इसीलिए मार्शल की टीम आज चॉइस कैसिनो के अंदर जो कि एवलन सिटी में, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। B24 it turns out refers to a safe deposit box contained within the casino Lutazzi's archive room. As for the wire mentioned on the disc, I assume the Pantheon is funding their research through laundered casino money. Whatever's in that box, my money says it points us right to Gusev. That's the hope. So we're gonna blow open their vault, but it's not the cash we're after. Inside the vault is the only place I can override the archive room's security. And while the Lutazzis are distracted by our heist, Cates is gonna infill the archive room and find the box. Even getting close to that room will be tough. Not if casino security escorts Cates right into the wing containing the archive room. Where they usually question persons of interest. Cates is going to get captured on purpose. Precisely. It's dangerous. And it's gonna take all five of us to pull it off. Starting with me at the high roller table. When the Big Bear sets our whole plan into motion. We'll be ready. I know you will. Let's find out what the Pantheon's hiding in that casino. तो फैंटियम ग्रुप के लोग इस कैसीनो के अंदर कोई बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज को छुपाए, तो अब हम पांचों के पांचों टीम मेंबर्स एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। Good on my end. Just wait on case. You. All set. Ciao, welcome to Casino Lutazzi. Chips, please. Your boy here is feeling real lucky. Very good, signore. Do you have any weapons that need to be checked? Right. Probably don't want sore losers walking around strapped. Grazie. Enjoy. अच्छा, तो अब मुझे ट्रॉय मार्शल बनके खेलना होगा. This place is something else. Marshal, walk over to the sign in front of the card display. To the right of the bar. On my way. This place is bringing back bad memories. House always wins, Seth. I wasn't here to gamble. Killed business. It wasn't pretty. These days, Casino Lutazzi is a neutral space. The other Avalon factions respect that.
तो वेल, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी टीम का प्रोफेशनल लेवल का हैकर है फेलिक्स न्यूमन, उसने वीडियो टेप के अंदर से बहुत ध्यान से सुन सुन के एक स्टेटमेंट बाहर निकाली थी, B24 वाय फ्रॉम फुचिना। ये जो फुचिना है इस कैसिनो का दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। वायर का मतलब ये है कि फैंटियम ग्रुप इस कैसिनो के इलीगल लॉन्ड्री मनी के जरिए अपने प्रोजेक्ट को, रिसर्च को पैसा फंड कर रही है। और B24 का मतलब है एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स जो कि इस कैसिनो के आर्काइव रूम के अंदर है। इस B24 के अंदर वो एक ऐसी चीज है जिसका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सोवियत साइंटिस्ट मैटिव गुसेव के जरिए, और ये मैटिव गुसेव वही साइंटिस्ट है जिसे कैरल बायोलॉजिकल वेपन को बनाया। तो इसके बारे में हमको कोई बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है, और तभी हम लोग इस कैसिनो के अंदर B24 सेफ डिपॉजिट बॉक्स को क्रैक करके तोड़ने के लिए आए हैं। और हाँ, इस कैसिनो के अंदर एक वॉल्ट भी जब बहुत सा पैसा रखा, लेकिन पैसा हम लोग चोरी करने नहीं आए, कैसे भी करके केस को इस वॉल्ट तक पहुंचना, तभी फेलिक्स न्यूमन आश्चर्य उनके सिक्योरिटी कैमरास को हैक करके अपने कंट्रोल में ले पाएगा। तो यहाँ पे इस वाले मिशन में हम सारे के सारे पांचों लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले मास्टर शिवाटी चोरी हीस्ट करने का नाटक करेंगे, और यहाँ पे इस चीज का डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के मुझे यानी केस को इस आर्चर रूम के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना है और B24 सेफ डिपॉजिट बॉक्स को ढूंढना होगा। तो शिवाटी भी इस कैसिनो के अंदर है और बोल रही है, मैं पहले भी यहाँ बहुत साल पहले आ चुकी हूँ गिल्ड गैंग के बिजनेस के जरिए, और यहाँ पे मैं जब से आई हूँ सारे की सारी पुरानी बैड मेमोरीज वापिस से याद आ चुकी है मुझे। तो अभी मुझे यानी कि मार्शल को शिवाटी से मिलने के लिए जाना है, और ये जगह बहुत यूनिक दिखाई है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी आलीशान विंटेज कार है, एक साइन बोर्ड भी है, और ये जगह बार के राइट साइड दिखाई है। शिवाटी वहां पर वेट कर रही है, लेकिन पहले इस बटन को प्रेस करके देखते हैं। चाओ सिग्नोरे, यू लुक लाइक समवन हु अप्रिशिएट्स लग्जरी एंड फिनेस एंड एन एज। In Boca al Lupo. Time to play some poker, Marshal. Gotta win that hoity-toity high roller bar. Only way we'll get access to the lounge. And the high roller lounge has what we'll need next. तो शिवाटी ने अपना फिर से ड्रेस अपीयरेंस अवतार चेंज कर लिया है, वहाँ की लोकल स्टाफ मेंबर लग रही है। उसने छुपके से हमको 3 पत्ती दे दिए, आगे जाके हमको पॉकेट खेलना है, मेरे ख्याल से चीटिंग भी करनी पड़ेगी। वहाँ पे छोटे टेबलों में जीत जीत के हमको जाना होगा बड़े टेबल पे जब VIP लोग खेलते, उस टेबल का नाम है हाई रोलर बार, वहां से हमको एक्सेस करना होगा लॉन्च को। तो ये हम लोग बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ चुके हैं। Don't mind if I do. There is no shame in losing, Mr. Marshal. Mr. Marshal. Welcome, Signore. The game is Hold'em Poker, with the winner receiving the high roller bar. Looking forward to it. तो वेल, मार्शल यहाँ गैम्बलिंग जुआ खेलना शुरू कर दिया, और ये जो हम लोग गेम खेल रहे इसका नाम है हॉल्डम पॉकर। तो अभी हमको केस को जान बूझ के सिक्योरिटी गार्ड्स के यहाँ तो पकड़वाना होगा। Gotta tap all 3 junction boxes to give me the full view. तो केस को जान पूछ के पकड़वाए सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों, लेकिन उसके पहले यहाँ के जितनी भी CCTV कैमरा से उनका एक्सेस हमको वोट्स को देना होगा। उसके लिए आपको 3-3 जंक्शन बॉक्सेस को हैक करना है। तो हैक कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो केस को जान पूछ के इसलिए पकड़वाना है क्योंकि आर्चर रूम तक पहुंचना काफी मुश्किल दिखा है। हाँ, जब भी कैसिनो के सिक्योरिटी गार्ड किसी चोर या किसी क्रिमिनल को 3-5 करते हो पकड़ते, तब उसको इंटरोगेशन पूछताछ करने के लिए आर्चर रूम के पास वाले कमरे में लेके जाते, तो वहां से हम चुपके से चकमा दे के निकल सकते हैं, लेकिन यह रिस्क बहुत बड़ा है। Floor. It's a real swanky. Two to go.
तो एक जंक्शन बॉक्स हैक हो चुका है जिसकी वजह से वुड्स को सीधा फॉसी ऑफ मेन हॉल के सारे के साथ सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस मिल चुका है। लेकिन अभी दो और बाकी बचे, बहुत ही पेशेंस रख के खेलना होगा। प्लान कुछ ऐसा है, यहाँ पे सिवाटी और मार्शल वॉल्ट में से पैसा चोरी करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स उनको पकड़ने के लिए आएंगे और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के फेलिक्स ह्यूमन आर्कीव रूम के सारे के दरवाजों को हैक कर लेगा और बाद में खुद हम केस आर्कीव रूम के अंदर घुस के B24 सेफ डिपॉजिट बॉक्स को ढूंढेंगे, क्रैक करेंगे और फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और ये सारा का सारा काम बहुत ही साइलेंटली करना होगा। तो फाइनली दो जंक्शन बॉक्सेस बहुत ही साइलेंटली हमने हैक कर दिया। अभी तक किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी, हम एकदम घोस्ट की तरह खेल रहे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल उसके ऊपर आ गया था, बच गए, पाल पाल बच गए। खैर मिशन फेल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे बहुत ही साइलेंटली पेशेंस सब्रता से खेलना होगा और या फिर से सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर आ चुका हूँ। सबसे डेंजरस काम केस कर रहा है क्योंकि आगे जाके हम पकड़े गए तो ये शायद हमको पकड़ के जान से मार देंगे, लेकिन ठीक है रिस्क ना पड़ता है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। जहां पे रेड कलर की लाइट चमक रही वहीं पे जंक्शन बॉक्स है, लेकिन मुझे ऊपर से साफ साफ नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से इस वाले को हैक करना काफी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल दिख रहा है। नीचे बहुत सारे गार्ड्स भरे पड़े, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बिल्ली की तरह निकलना होगा। capo è sparito andate trovate il nemico certamente जैसे तीनों के तीनों जंक्शन बॉक्स हैक हो गए, वुड्स ने मुझे इन्फॉर्म कर दी, बोला कि वॉल्ट के साथ साथ यहाँ आर्मरी भी है, यानी कि काफी बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के वेपन भी चोरी करके स्टील कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे सरेंडर करना होगा, पक्का मार पड़ने वाली है। Well, what do we have here? Looks like a little sewer rat. Let's talk in private. अरे यार केस पकड़ा गया, अभी भी इसकी शक्ल दिखाई नहीं इन लोगों ने। Case is in. Marshall, your time to shine. Win that table and you'll have access to the high roller lounge. My new friend here is so generous. He keeps giving me all his chips. Where I'm from, we teach our kids to win with grace and humility. I'm afraid you are not in Kansas anymore, Dorothy. This is a game for adults, not school children. अच्छा मार्शल ये बहुत टाइम से हार रहा है, इसके अपने काफी सारे चिप्स एंड टोकन्स गवा दिए हैं। Is mine. I got a camera feed behind that schmuck. Time to turn your luck around. We here to talk or play cards? ये काफी ज्यादा बकवास कर रहा है, पीछे के सीसीटीवी कैमरा से वो जिसके पत्ते दिखा के मुझे काफी आराम से बोल सकता है। A fearless American does not know when to take a bow, huh? Bet. I can't see his damn cards. Shake things up a little. ये बंदा बहुत ही स्मार्ट देखा है, अभी तक इसके हमने पत्ते ऊपर खोल के दिखाई नहीं है, जिसकी वजह से पीछे के सीसीटीवी कैमरा में वुड्स भी इसके पत्ते देख के मुझे नहीं बोल पा रहा है। तो अब मुझे इसको कुछ ऐसा कहना है जिसे उत्साहित होकर पीछे के बैक साइड से अपने पत्ते दिखाए। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, तेरे पास दो पत्ते या फिर तुमने तीन पत्ते छुपा के रखे हुए हैं। मिस्टर मार्शल लर्नड ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी बट नॉट अरिथमेटिक। He's got 9 and 10 clubs. Nothing there. Raise. वुड्स ने यहाँ मुझे पैसे बढ़ाने को बोला, ठीक है। Such confidence. Call.
इसके पास कुछ बड़े पत्ते हैं नहीं, बस ऐसे फेंका फेंकी कर रहा है, यानी कि हम लोग जीतने वाले हैं। Signore Bado checks. Raise it. Signore Marshall bets. You got this. Go. And now, the final card. His only chance is... God damn, lucky bastard got it straight. All in. Sev, do your thing. Marshall, whatever's up your sleeve, time to use it. Your drink, signore. Oh, you must be... I'm so sorry, sir. Please, let me help. What are you doing? I'm terribly Stop. Sorry. You're making it worse. Just leave me alone, huh? Oh, man. You need a minute. No, no. Just go away. Continue the game. तो भी सेवाटी की वजह से हम लोग जीतने वाले हैं. Gentlemen, showdown please. Full house. What? Sevens full of jacks. Signor Marshall wins. How did this happen? Good game. Moving to the high roller lounge. What? You see the pit boss in there? He's there. Got a key card hanging right off his ass. That's what we need. Once I get in and create the distraction, I'll grab the card and hand it off to Felix. Felix, you in position? Of course. तो सेवाट ने ड्रिंक गिरा की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की और इस डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठा के मैंने यहाँ पे पत्ता फटाक से रिप्लेस किया अपने स्लीव के जरिए और फुल हाउस करके गैमलिंग जुआ जीत लिया है। तो अभी मेरे पास हाई रोलर लॉन्च की टिकट आ चुकी है, मैं करंटली वहीं पे जा रहा हूँ और उधर एक पिट बॉस नाम का बंदा है जिसके पास की कार्ड है, तो मुझे भी मारा की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है, उसका की कार्ड बहुत ही साइलेंटली चोरी करना होगा और ये की कार्ड लेके मुझे फेलिक्स नीमन को देना होगा। तो ठीक है, ये वही जगह है, मुझे यहाँ पे टिकट सबमिट करनी होगी। Sorry, signore, you'll need the... One of these? Congratulations. Come right in. He's inside. Marshall, head to your right. You can place the scrambler on the slot machine closest to the double doors. अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे कैसीनो खेलने नहीं आए हैं। फेलिक्स ह्यूमन ने मुझे स्क्रैम्बलर डिवाइस दी है जो कि मुझे फिट करनी होगी डबल डोर्स के बिल्कुल पास में स्लॉट मशीन है और इसके जरिए सारी की सारी मशीनें अपने आप खराब होकर मेल फंक्शन हो जाएगी और यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी। इस डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठा के मुझे मैनेजर का की कार्ड चोरी करना होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ट्रिगर प्रेस करूंगा सारी की सारी स्लॉट मशीन के अंदर अपने आप जैकपॉट लग जाएगा, पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक करके देखते फिर और क्या। ये देखो चोरों की तरह कॉइंस लूट के भाग रहे हैं। What seems to be the problem? Are you serious? Ah, yes. I did warn management. बिल्कुल सही मौका है, मुझे फटाफट बहुत ही साइलेंटली इसका की कार्ड चोरी करना होगा। To be keep these isolated on the network to avoid a cascade failure. To ensure if one fails, they don't all fail. But no one listens to. Like I told you, the problem isn't the machines. I'll need to reset the Then do it. Hey man, this lady needs a bucket to carry those winnings. Senor, I'm sorry. Or maybe some of those canvas bags with some big dollar signs on. Please understand, there's been a technical issue with working tools. Now get to the server room and reset those slot machines, Felix. Like this. ओके, तो अब मुझे फेलिक्स न्यूमन बन के खेलना होगा, यानी कि हम चीजों को हैक वैक क्रैक कर पाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। जैसे हम वॉच डॉग्स 2 में करते ना, तो अभी मुझे यहाँ पे लोकल स्टाफ इंजीनियर का डिस्गाइज दिया गया है, अंदर जाके स्लॉट मशीन्स को रिपेयर करना है और फिर आगे क्या करना है मार्शल मेरे को गाइड करेगा। En route to the server room. After resetting the machines, I'll move to the next phase. फेलिक्स ह्यूमन ने बहुत साल पहले कसम खाई थी कभी भी खून खराबा वॉयलेंस मारकाट हिंसा नहीं करेगा, गन तक नहीं पकड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे किसी को साइलेंट भी मार नहीं पाएंगे। You think Signor Lodazzi, that's not who you are and what you do?
मुझे पहले ऐसा लगा है केस है, इसकी बराबर की पिटाई धुलाई हो रही है, लेकिन केस की शक्ल हम लोग देख सकते हैं नहीं और वो खुद ब खुद अपने आप को मैनेज कर लेगा, तो यहाँ पे किसी की हेल्प करने की जरूरत है। अंदर जाके स्लॉट मशीन को रिपेयर करके फिक्स करते हैं। Hey, what's taking so long? We need this slot back up. Need to reset that server, Felix. तो यहाँ पे हम लोग स्लॉट मशीन रिपेयर करने के बहाने अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से असली काम शुरू हुआ है फेलिक्स ह्यूमन का। अब मुझे आगे जाके वॉल्ट एंड एलिवेटर का पासवर्ड हैक करना है और किसी को मारने वारने की जरूरत नहीं है। Now, we program this key card. After that, we'll have access to the armory and elevator. Okay, तो एलिवेटर के साथ साथ मुझे वहां जाके मेन वेपन वॉल्ट का पासवर्ड भी हैक करके क्रैक करके एक्सेस करना, क्योंकि डेफिनेटली आगे जाके फाइट होने वाली बहुत गंदी फाइट होने वाली है। हमारे पास बंदूक अभी है नहीं, तो मेन वेपन वॉल से हमको गन्स को स्टील करना होगा। तो फिर से इस कीपैड के जरिए डिक्रिप्शन का पासवर्ड डालना होगा। मैंने अपनी बैक लाइट ऑन कर ली है, 3 डिजिट्स के ऊपर फिंगरप्रिंट छपे हुए हैं, 5626 बिल्कुल राइट है। 2 और 5 की पोजीशन चेंज करनी होगी, 265 कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर हमने क्रैक कर लिया। अभी हम लोग सर्वर रूम के अंदर एंटर करने वाले हैं। वुड से एडवाइस करिए, बहुत हैवी सिक्योरिटी दिखाई, बहुत सावधान होकर आगे बढ़ना होगा और ब्लाइंड स्पॉट में छुपना होगा। ब्लाइंड स्पॉट उसे कहते हैं जब सीसीटीवी कैमरा नहीं पहुंच सकते हैं। सेम टू सेम वही पासवर्ड डालना, तो थोड़ी देर पहले हमने एंटर किया था 265। ओके, बिल्कुल सामने सिक्योरिटी गार्ड है, इसको साइलेंटली टेक डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अब तुमको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फेरिस बोलता ठीक है, प्लीज मेरे को परेशान मत करो, और यहाँ पे हमको सांप की तरह रेंग रेंग के निकलना होगा। बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी दिखाइए, फटाफट ऐसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 2 गार्ड्स को बहुत ही साइलेंटली मर्सीलेसली बेरहमी से मैंने मार दिया, सिर्फ एक ही बाकी बचा है। उसके लिए मुझे अंदर सर्वर रूम के जाना होगा। प्लान कुछ ऐसा है, फैंटियम ग्रुप का सेफ डिपॉजिट बॉक्स है B24, वो आर्काइव रूम के अंदर है। आर्काइव रूम के दरवाजों को हैक करने के लिए मुझे यानी कि पैलेस रूम को सेफ्टी वार्ड तक जाना है, पैसे चोरी करने का नाटक करना है, और उतनी देर में केज जाएगा आर्काइव रूम में, वहां जाके B24 बॉक्स को क्रैक कर लेगा। ठीक है, समझ गया। कंप्यूटर आई नीड इज इन दिस रूम, I can use it to reprogram the keycard. Danny Fuori. बस कुछ ही सेकेंड्स की बात थी, फेलिक्स न्यूमन ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया। अभी मिशन फेल होते होते बच गया। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर रखा है, इसके जरिए फेलिक्स न्यूमन अपने की कार्ड को रीप्रोग्राम करके एलिवेटर एंड आर्मरी को खोल पाएगा। ठीक है, गिविंग द की कार्ड आर्मरी एंड एलिवेटर एक्सेस। तो फटाफट से मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करके मैं इस कंप्यूटर को हैक कर पाऊंगा, और इस हैक कंप्यूटर के जरिए मैं की कार्ड को रीप्रोग्राम कर पाऊंगा, और रीप्रोग्राम की कार्ड के जरिए मैं लिफ्ट एंड आर्मरी का एक्सेस दे पाऊंगा। दो दो पासवर्ड कहां से आ गए? डन, मूविंग टू द रेंडेवू पॉइंट। आई विल बी देयर। अलार्म साउंडेड। Good thing everyone's asleep. Good work, Felix. Get that card to Seth. We're one step closer to kicking off the heist. Once we have that distraction going, Case can make his move. जैसे ही मैंने इस कंप्यूटर को हैक करके कार्ड को रीप्रोग्राम किया, सारे के सारे अलार्म ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गए, लेकिन खुश किस्मत के सब लोग गहरी नींद में सोए थे, हम लोग फिर से बच गए। अभी ये जो रीप्रोग्राम की कार्ड है, मेरे को सेवाटी को जाके देना होगा, यानी कि आगे जाके हम सेवाटी बन के खेलेंगे। और मार्शल ने बोला है हमें फिर से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके कैसिनो के वॉल्ट से पैसे चोरी करने होंगे, और इसी के दरमियान केस प्रिजन सेल से बाहर निकल के आर्काइव रूम के अंदर घुस के B24 सेफ डिपॉजिट बॉक्स को क्रैक करके अनलॉक करके निकल जाएगा। और ये देखो बॉडीगार्ड्स बैठ के सुट्टा उट्टा मारे मजे ले रहे, लेकिन एक मिनट ये वही सेम बॉडीगार्ड्स दिखाए जिन्होंने केस को पकड़ के अच्छे से उसकी पिटाई धुलाई करी थी, तो मुझे इनसे पंगा लेने की जरूरत है। Back on the casino floor. How's the drink sound right about now? Quite welcome. Head straight for the bar then.
तो अभी तक तो बहुत सही सलामत तरीके से काम हो रहा है, आगे कोई प्रॉब्लम ना है तो अच्छा। वुड्स ने इन्फॉर्म करके पेरिस न्यूमन को बोला है बिल्कुल स्ट्रीट बार है वहां तक मेरे को पहुंचना है, रम विज की वोडका बियर एंजॉय करके चिल पानी है, लेकिन ये जो रीप्रोग्राम की कार्ड है हमको सेवाटी को देना होगा, यानी कि आगे जाके हम सेवाटी बन के खेलने वाले हैं। Felix, I'm ready. You coming to the bar? Schnapps, please. On the rocks. Right away, signore. My friend is somewhat of a... Here you are. Enjoy. Danke. On your entry. Cards in hand, heading downstairs. Hey! Here. I'm taking my break. With that card, you now have access to the high security floor below us. And no one but the Lutazzi Inner Circle are allowed down there. तो जैसे कि इस गैंग का नाम लुटासी है, इसको लूट के भी हम कहां कुछ गलत कर रहे, कोई बात नहीं। सिवाटी को खास इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अब इस रीप्रोग्राम की कार्ड के जरिए हमको बिल्कुल नीचे उतरना है, वहां पे हाई सिक्योरिटी एरिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लुटासी गैंग के लोगों को आना अलाउड है, परमिशन ग्रांटेड है। अगर हमको किसने देख लिया पक्का फाइट करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। Nothing out of the ordinary. My colleague here is a bit inebriated. Should I bring a glass of water? That would be great, thanks. She's in. Seb, get to the elevator on the bottom floor. Send it up for me and Felix. On it. तो वुड्स ने मुझे इन्फॉर्म करके ऐसा बोला कि नीचे एक लिफ्ट एलिवेटर है जो एक काफी हाई प्रोफाइल की दिखाई है, उसको कैसे भी करके एक्सेस करके मुझे ऊपर तक भेजना होगा और फिर बाद में मार्शल ऑफ पेरिस में उसको नीचे लेके आ जाएंगे। इतने थकेले बॉडीगार्ड सिखाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चप्पू में इनका काम तमाम। ठीक है, इससे मेरा तो काफी काम आसान हो चुका है, लेकिन सिवाटी बड़ी रथलेस बैडस एग्रेसिव देखा, ये बहुत ही बेरहमी से काट के गोली मार के फेंक दिया, बहुत ही खतरनाक वंडर वुमन दिखाई है। तो यहाँ पे सारे के सारे गार्ड चले गए हैं, मुझे इस लिफ्ट को एक्सेस कर रहे हैं, ऊपर तक भेजते हैं मार्शल ऑफ पेरिस की, मैं इसको एक्सेस करके अपने आप खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। तो जो बिल्कुल सामने वॉट दिख रही, इसके दरवाजे को तोड़ के फेलिक्स ट्यूमन को अंदर घुसना है। आर्काइव रूम के सारे दरवाजों को हैक करना हम काफी करीब पहुंच चुके, जब तक ये दोनों लिफ्ट के जरिए नीचे आते मुझे आर्मरी हाउस में घुसना है और बहुत सारी बंदूकों को स्टील करना होगा। इन द आर्मरी क्वाइट द कलेक्शन, ग्रैब व्हाटएवर यू कैन। ओ भाई साहब, ये कैसीनो है या बंदूकों का अड्डा, इतनी गन्स तो मैं सेफ हाउस के अंदर भी नहीं होंगी। एक से बढ़कर एक एडवांस लेवल की गन दिखाई, मेरे हाथों में खुजली मच हुई, फटाफट से लूटना शुरू करते हैं। फील्स गुड। ओह आई लाइक दिस वन। Get those weapons loaded. अरे यार थक तेरे की, इस स्टील के डब्बे में हम सिर्फ और सिर्फ 6 ही बंदूकों को डाल के कैरी कर सकते, यानी कि वो सोच समझ के मुझे वाइज सिलेक्शन करनी होगी।
Just a couple more. तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदूकें बाकी बची, वह सोच समझ के ध्यान से पिक करना होगा ये कौन सी। ओ बाप रे, JPMG-7 कॉल ऑफ ड्यूटी की अब तक की सबसे खतरनाक क्लासी किलर मशीन गन है, और ये XMG-7 उससे भी खतरनाक गन मिल गई। यहाँ पे 100 बुलेट्स एक ही बार में। All packed up, leaving now. Copy that. See you in a sec. तो यहाँ पे हम लोग कैसीनो हीस्ट के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके। कोई गड़बड़ी नहीं हुई और ना हो तो अच्छा, कहीं मेरी खुद की नजर लग जाए। Hey Twinkle Toss, we got a situation down here. And quite a bit. Damn, Felix. Let's not keep Case waiting. Seth, C4. अच्छा मैं भूल गया था, बेचारा केस प्रिजन सेल के अंदर बहुत टाइम से पिट रहा होगा, उसको भी हमको बचाना है वरना उसको जान से मार देंगे। C4 प्लांट करते धमाका करते हैं। शोटा, तो जैसे ही वार्ड का दरवाजा टूट जाएगा सारे के सारे अलार्म ट्रिगर होंगे, भाग भाग के सिक्योरिटी गार्ड्स हमको पकड़ने के लिए आएंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बंदूकें इकट्ठी कर लिए, फुल कॉम्बैट में फाइट होने वाली है, लेकिन पहले देखते हैं फेलिक्स तुमन क्या बोलता है हमको। इग्नाइटिंग, रिमेंबर वी वोंट हैव लॉन्ग बिफोर द सिक्योरिटी रिस्पांस अराइव्स। टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले। ओके, तो अब C4 को ब्लास्ट करना है, इट्स शो टाइम। डिड इट वर्क? फ्लॉलेसली। इफ यू काइंडली लोकेट द पैनल। तो अब फिर भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे कैसे भी करके फेलिक्स ह्यूमन को पैनल ढूंढ के देना होगा जिसके जरिए आर्काइव रूम को लोकेट करके उसके पासवर्ड्स को एक्सेस करके हैक कर पाएगा। तो ढूंढना शुरू करते फिर, और क्या। तो जब तक फेलिक्स ह्यूमन यहाँ पे हैक करे सिक्योरिटी गार्ड्स हमें भर भर के टूटने वाले, तो अब मुझे बंदूक के फटाफट चूज करनी है। मुझे यहाँ पे XMG मशीन गन चाहिए, स्नाइपर राइफल चाहिए, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर जंग शुरू होने वाली है। Right on time, light 'em up. Right, from the elevator. How we doing, Felix? It's a complicated procedure. तो ये जो भी कांड हुआ है उसके कुछ मिनटों पहले की बात दिखाई है। Well, I think you've wasted enough of our time. Francesco, let's finish up and take them down below. Go help them up there. I'll take care of this myself. You know something about this? And here I thought we were gonna let you off easy.
हंसते 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 जितना हंसने हंसते बहुत तेज से चुपचाप मार खा रहा हूँ। बस एक बार ये हैंड कस हथकंडी मेरे हाथ से निकल गई, पक्का तेरी बारात निकालने वाला हूँ मैं। This is gonna get real uncomfortable now. इसे कहते पलटवार करके अपने आप को बचाना। तो जब तक फेलिक्स ह्यूमन सिवाटी मार्शल फाइट कर रहे, कैसीनो हीज का पूरा फायदा उठा के मुझे जाना होगा आरकी रूम में और B24 सेफ डिपॉजिट बॉस को ढूंढना है। और अब मैं इनको दिखाता हूँ केस के अंदर कैसा जानवर एनिमल छुप के बैठा हुआ है। Archive room security is down. My man. Whatever the Pantheon's hiding case, it's in box B24. Keep going. ये तो काफी बड़ा लॉकर रूम है, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा B24 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स। बिल्कुल एंड तक जाना होगा और अब देखते इसके अंदर क्या फैंटम ग्रुप ने छुपा के रखा हुआ है। It's the B alcove in the back corner. Case is on it. Looks like a dossier of some kind. Stow it. Gates, Lutazzi, heading your way. We're still pinned down over here. Subiamo perdite! तो ये फैंटियम ग्रुप के सीक्रेट हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमने निकाल लिए, इसमें क्या छुपा के रखा है बाद में चेक करेंगे, पहले ऐसे बाहर निकलते हैं। Well, Gates, coming your way. तो सिवाटी मार्शल फेलिक्स ने भी सारे गार्ड्स को मार के टेक डाउन कर दिया, अब हमको बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। Let's go. Got a boat in the canal with our name on it. Great work, Case. You really took one for the team. Follow me. Heavy enemy presence on the main floor. Some civilians still running around too. Watch your fire. तो वहाँ सिविलियंस के साथ साथ उटासी गैंग के लोग भी, अगर बाय मिस्टेक कर ली हमने किसी एक मासूम को एक गोली भी मार दी, मिशन पक्का फेल होने वाला है। और सिर्फ सिवाटी ने केस की तारीफ की तो उन्हें इतनी मार घूसे का टीम के लिए मिशन काफी हद तक अकम्प्लीट हो चुका है। तो अब हमें बोट के जरिए एस्केप करना होगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उटासी गैंग के थग्स खत्म हुई है, फैंटियम ग्रुप के लोग भी आ चुके हैं और दो के पास शील्ड ढाल है। ये शील्ड को तोड़ने के लिए बॉम्ब ग्रेनाइड चाहिए होते हैं, ये बहुत ताकतवर शक्तिशाली दिखाए हैं। और यहाँ पे मैंने एडलिन इंजेक्शन ले लिया है, इसके जरिए सुपरमैन की शक्तियां हमें पता देंगी, यानी कि स्पीड फास्ट हो जाएगी और टाइम कम हो जाएगा।
कि एडल ने रश का इंजेक्शन बहुत ही काम का दिखा है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने पेंटियम को इतने खतरनाक सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया, लेकिन इसको बहुत पहले लेने की जरूरत थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमको कैनल्स के जरिए फटाफट से बोट एस्केप करके यहां से निकलना होगा। शो केस, लेट्स गो। वी आर ऑलमोस्ट टू द कैनल्स। थ्रू हियर। और ये बेवकूफ ढक्कन लोग इतनी बढ़िया बढ़िया बंदूकें, आर्मर प्लेट, ग्रेनाइट बॉम्ब सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए। AK-70 बोला, ये काफी बढ़िया मशीन गन दिखाई, स्कोप भी लगा हुआ है, 50 बुलेट्स एक टाइम पे फायर कर पाएंगे, फायरिंग स्पीड लोडिंग स्पीड बहुत फास्ट दिखाई है। ठीक है, इसको लेके हम आगे बढ़ते, बिल्कुल लग रहा है फैंटियम ग्रुप के सोल्जर्स आगे मिलने वाले, काफी टक्कर की दबंग फाइट देंगे हमको। गो, गो, गो। सारे के सारे कैरेक्टर्स बनके खेल चुके, तो अब देखते हैं पैंट्रियम को कि हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या राज छुपा के रखा है। We went through everything inside that box from the casino's archive room. Seven Felix were right. Lutazis were moving Pantheon cash through the casino. With a healthy cut in return. We got the breakthrough we needed. Records of wire transfers to a lab in southern Iraq, directed to Matt V. Gusev. We'll notify Adler so he can take a look on the ground. Time is short, but if we can get our hands on the Pantheon's bioweapon expert, we just might break this whole thing open. तो क्रेडल को बनाने वाला साइंटिस्ट मैट ने सिर्फ कहां पे मालूम पड़ गया है। I say, look, you know you're in DC, not fucking Alaska, right? Be quiet, quiet. And then Rome, I suppose. We have a problem. Case, Felix. After you. We'll get back to that. Adler. Say again? Marshall. He's gone. Elaborate? The lab's empty. Gusev fled. So we're fucked. Not yet. One scientist was still inside with a canister of the cradle. Like the one we picked up at the palace. And? We had a stimulating conversation. How stimulating? It's a frame-up. Pantheon's activities will point right to Saddam Hussein. Goose is heading to the Kuwaiti airport as we speak. Now that airport's in a war zone. Even if we head your way soon, can we reach it? I have a CENTCOM connection in the area. Might be willing to help us. Might, huh? Well, if we leave within the hour, we'll make it by morning. Out. Cases, get ready. We'll get some shut-eye on the way. You were impressive today. Finally, the legendary Felix Newman in action. Yes. What's on your mind? I need to make a confession.
I'm the furthest thing from a priest, Felix, but speak your peace. I am deeply ashamed of my actions in the casino. You take this non-violence thing seriously? Quite. But then I saw Lutazzi thugs beating a defenseless man mercilessly, a senseless act of power. No one is innocent in that city. Afterwards, when I encountered the guard outside the vault, I lost control. In my eyes, he transformed into the avatar of everything I now reject. So I punished him. Good. It was probably less than what he deserved. If I lose myself to this endeavor, I am no better than the very enemy we seek to stop, yeah? Save your pity for the victims. You did what was needed to be done. No. My reaction was catharsis and indulgence. Haro and the Pantheon won't be stopped with kind words and gentle attitudes. There is always a choice, Savati. Not always. फेलिक्स यूमन ने बहुत साल पहले से कसम खाई थी कभी भी खून खराबा वायलेंस हिंसा नहीं करने वाला, लेकिन आज कसिनो के अंदर इसने काफी सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया और इसीलिए ये फेलिक्स यूमन काफी अपसेट बैठा हुआ है। इसको अपसेट थे कि सिवाटी पूछती है प्रॉब्लम क्या है, दिमाग में चल क्या रहा है। तो फेलिक्स यूमन बोलता मुझे अंदर से बहुत शर्म आती, मुझे काफी खराब लग रहा है, मैंने कसिनो के अंदर इतनी हिंसा करी, लेकिन जब मैंने कसिनो के अंदर देखा तो बॉडी गार्ड थे, लुटासी थग्स थे, वो एक बहुत ही कमजोर निहत्ते इंसान को से मार रहे थे, तब मेरा दिमाग घूम गया और अपना आपा खो के मैं एग्रेसिव मोड पे आ गया और गुस्से में आके मैंने उन गार्ड को पनिश किया और मार दिया और ये चीज गलत दिखाई। सिवाटी बोलती बिल्कुल ठीक किया और डिजर्व भी करती, प्यार और जंग की खेल में सब कुछ ठीक होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुमने बल्कि हल्के मार दिया, उनको और भी बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। फेलिक्स मैन बोलता है नहीं 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 नहीं, ये चीज गलत दिखाई, मेरा रिएक्शन इतना गुस्से वाला नहीं होना चाहिए था, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, मैं काफी शर्मिंदा हूँ, बुराई की जंग को जीतने के लिए हमको खुद को बुरा नहीं बनना है। तो सिवाटी बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये जो फैंटियम ग्रुप है, जीन हेरू है, इनको तुम अच्छी अच्छी बातें करके रोक सकते हो, तुम्हें जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस जंग को जीतने के लिए आगे भी बहुत करना पड़ेगा। बाद में फेलिक्स यूमन सिवाटी को समझाता है कि हमेशा विकल्प ऑप्शन रहते हैं और हमको सही गलत में चूज करना आना चाहिए क्योंकि हर पर हम लोग राइट नहीं होते हैं। सिवाटी बोलती नहीं नहीं नहीं, जंग की खेल में हमेशा चॉइसेस नहीं मिलते, हमको फटाफट एक्शन लेना पड़ता है। और हां, कैसीनो के अंदर जो हमको हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले, इससे ये पता चला कि फैंटम ग्रुप का जो इलीगल पैसा है इसको लुटासी गैंग यूज करती है अपने कैसीनो के अंदर और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके बहुत ही सीक्रेटली दूसरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है और एक अकाउंट उसका है जिसने कैडल बायोलॉजिकल वेपन को बनाया है और ये साइंटिस्ट है मैटी गुसेफ, ये इराक के अंदर से अकाउंट मिला है, मतलब कि गुसेफ इराक पे छुप के बैठा हुआ है, लेकिन बाद में एडलर की फोन कन्वर्सेशन से हमको ये पता चलता है कि वहां से भी निकल चुका, इराक में है नहीं, ये अभी हमको कुवैत के एयरपोर्ट में मिलने वाला है, लेकिन वहां जंग चल रही है तो कैसे भी करके हमको कुवैत पहुंचना है और वहां जाके इस मैटी गुसेफ को पकड़ना है। You hear back from Livingston? No, but Felix sent him everything we know about Haro and the Pantheon. Haro might still have his ear, or she doesn't, but he still doesn't trust us. Who fucking knows? He's got to be rattled either way. तो वुड्स और ट्रॉय मार्शल आपस में बात कर रहे थे कि जो भी हमको एविडेंस प्रूफ मिले हैं कि जेन हेरो चला रही फैंटियम ग्रुप को, उसने कैरल वेपन को छुपा के रखा हुआ है, ये सारी एविडेंस हमने CIA की हेड लिविंगस्टोन को भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका हमको जवाब नहीं आया क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको जेन हेरो की असलियत सच्चाई पता चल चुकी है। तो फैंटियम ग्रुप की इंटेंशन ये कि जो भी कांड करते इसका सारा का सारा इंसान सद्दाम हुसैन के ऊपर लगना चाहिए, तभी लोग इराक में छुपके बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग बाद में जाएंगे इस मैटी गुसेफ को पकड़ने के लिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो, तब तक के टेक केयर एंड बाय।